एल्बर्ट आइंस्टाइन की द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत ने भौतिकी में मूलभूत अवधारणाओं जैसे अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारी सोच की गहराइयों से बदल दिया है, लेकिन इसने हमें कुछ गहरे रहस्यों के साथ छोड़ दिया। एक ब्लैक होल था जो पिछले कुछ वर्ष में केवल असमान रूप में पाया गया था। एक और वार्म होल था जो स्पेस ट्रेवलर्स में अलग अलग बिंदुओं को जोड़ने वाले पुल, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए शॉर्टकट प्रदान करने वाले वार्म होल्स अभी भी कल्पना के दायरे में है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि हम जल्द ही उन्हें ढूंढ पाएंगे। पिछले कुछ महीनों में कोई नए अध्ययनों ने आगे पेचीदा तरीके सुझाए हैं। ब्लैक होल और वार्म होल आइंस्टाइन के समीकरणों के विशेष प्रकार के समाधान हैं जो तब उत्पन्न होते हैं जब स्पेस टाइम की संरचना गुरुत्वाकर्षण के द्वारा दृढ़ता से झुकती है। उदाहरण के लिए जब मामला बेहद सघन होता है तो स्पेस टाइम का कपड़ा इतना घुमावदार हो सकता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। यह एक ब्लैक होल है। सिद्धांत के अनुसार स्पेस टाइम का फैब्रिक को स्ट्रेस किया जाता है और झुका हुआ है। व्यक्ति सभी प्रकार के संभावित कॉन्फ़िगरेशन के कल्पना कर सकता है। 1935 में आइंस्टाइन और भौतिकी विज्ञानी नाथन रोशन ने बताया कि कैसे स्पेस टाइम की दो सीतों को एक साथ जोड़ा जा सकता है और जिससे दो ब्रह्मांड के बीच के एक पुल बन जाता है। यह एक प्रकार का वार्म होल है और तब से कोई अन्य लोगों की कल्पना की गई है। कुछ वार्महोल से मानव समय यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं, हालांकि इसके लिए उन्हें पर्याप्त रूप में बड़ा होना चाहिए और गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ खुला रखना चाहिए। इस तरह से स्पेस टाइम को बाहर की ओर ढकेलने के लिए भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। विज्ञान साइफाई की तरह लगता है। हम जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। प्रयोगशाला में पहले से ही छोटी मात्रा में उत्पादन किया गया है। हम यह भी जानते हैं कि ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के पीछे नकारात्मक ऊर्जा है, तो प्रकृति ने वार्महोल बनाने का एक तरीका खोज लिया होगा। हम कैसे साबित कर सकते हैं कि कीड़े मौजूद हैं? रॉयल सोसाइटी के मासिक नोटिस में प्रकाशित एक नए पेपर रूसी खगोलविदों का सुझाव है कि वे कुछ बहुत उज्जवल आकाशगंगाओं के केंद्र में मौजूद हो सकते हैं और उन्हें खोजने के लिए कुछ टिप्पणियाँ का प्रस्ताव कर सकते हैं। यह इस बात पर आधारित है कि क्या होगा अगर वार्महोल एक तरफ से निकलने वाले पदार्थ उस पदार्थ से टकरा जाए। गणनाओं से पता चलता है कि दुर्घटनाओं से गामा किरण एक शानदार प्रदर्शन हो जो हम दूरबीन से देखने की कोशिश कर सकते हैं।